गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉडर्न बंजारे। केरला सीरीज में अब तक हम कवर कर चुके हैं कोची, मुन्नार और थेकड़ी, और अब हम पहुंच गए हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे जो कि है एलेपी बैकवाटर्स। इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे हाउस बोट के टूर पे और आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करेंगे हाउस बोट की आइटिनरी। एलेपी फेमस है अपने बैकवाटर्स हाउस बोट के लिए। हमने एक 2 BHK हाउस बोट बुक किया था। हाउस बोट का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है क्योंकि आप लगभग 20 घंटे एक मूविंग बोट में रहने वाले हैं। उसमें आप लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे, और बैकवाटर्स से जो सी का व्यू है वो तो बहुत ही अमेजिंग मिलता है। सो गाइस, लेट्स टेक यू टू आवर जर्नी ऑफ एलेपी हाउस बोट। थेकड़ी की जीप सफारी के बाद अब हम जा रहे हैं केरला के बैकवाटर सिटी की तरफ जो कि है एलेपी, और ये हमारा केरला में लास्ट डेस्टिनेशन है। एलेपी फेमस है अपने बैकवाटर्स एंड हाउस बोट के लिए। बैकवाटर्स का मतलब होता है जो पानी सी से निकल के लेक में आके रुक जाता है, और हाउस बोट कहते हैं एक घर को जो कि बोट पे बना हो। एलेपी बैकवाटर्स में आपको बहुत सारे हाउस बोट के ऑप्शन मिलेंगे, लाइक 1 BHK, 2 BHK। और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं हमारे हाउस बोट के पिकअप पॉइंट पे। ये है हमारा बेडरूम हाउस बोट में जो कि काफी स्पेशियस है। नॉट बेटर। और ये है हमारी किचन हाउस बोट की, बिल्कुल घर वाली फील देगी आपको। नाउ वी आर गोइंग टू आवर डाइनिंग रूम। सो दिस इज आवर डाइनिंग रूम। This is our dining room, जो कि बहुत spacious है and it's also the living area, so आप यहाँ पे chill out कर सकते हैं बहुत आराम से, and we have the lobby area also। और ये है हमारे houseboat के captain। मुझे तो personally बहुत ही मज़ा आ रहा है houseboat में। It's like you're moving house in the water. Now it's time for our Kerala special lunch. चलती हुई बोट में लंच को एंजॉय करने का मजा कुछ और ही होता है। लंच के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और बोट से ही व्यू को एंजॉय किया। हाउस बोट्स के लिए, और अभी इस वक्त हम हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट और केरला की लार्जेस्ट लेक में जो कि है वेम्बनाड। कैप्टन से रिक्वेस्ट करके हमने बोट का कंट्रोल थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में ले लिया और बोट चलाने के एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। हाय सर, वेयर वी आर गोइंग? We are just roaming around in the lake.
लगभग 5 घंटे की बोट राइड के बाद अब हम वापस जा रहे हैं हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे। केरला में स्नेक बोट रेस काफी फेमस है और ये ग्रुप उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। एलेपी में जो हाउस बोट्स हैं उनका जनरली चेक इन टाइम है अराउंड 12 एंड चेक आउट टाइम है नेक्स्ट मॉर्निंग 9 o'clock। तो लगभग 21 घंटे आप इस बोट में बिताने वाले हैं। चेक इन करते ही आपको एक वेलकम ड्रिंक मिलेगा एंड उसके बाद ये बोट निकल पड़ेगी अपनी राइड के लिए। इस दौरान आप टाइम स्पेंड करेंगे वेम्बनाड लेक में, जो कि है केरला की लार्जेस्ट और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट लेक। इस बीच आपका लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट इस बोट पे ही होगा और खाने में आपको केरला स्टाइल के फूड के बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। हाउस बोट्स में आपको काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एसी, नॉन एसी, 2 BHK, 3 BHK। तब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लिए हाउस बोट बुक कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द बोट राइड आपको बहुत सारे पेड एक्टिविटीज के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पीड बोट, केरला का फेमस आयुर्वेदिक मसाज। स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आने के बाद आप बोट में रेस्ट कर सकते हैं या फिर कहीं घूमने जा सकते हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम एलेपी बीच जा रहे हैं घूमने के लिए। एलेपी बीच काफी खूबसूरत है और यहाँ का सनसेट देखकर हमारा दिन कंप्लीट हो गया। चेकआउट के टाइम पे बारिश शुरू हो गई और व्यू और भी प्यारा हो गया। और अब हम जा रहे हैं कोची एयरपोर्ट की तरफ अपनी वापसी की फ्लाइट के लिए। सो गाइस, ये था हमारा एलेपी का सफ़र। हमारा एलेपी का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा और ये एक मस्ट विजिट जगह है। और अगर हम हमारे ओवरऑल केरला ट्रिप की बात करें तो हमारी आइटनरी में से मुन्नार एंड एलेपी ये दोनों ही मस्ट विजिट जगह हैं। इनको तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारी कोची, मुन्नार और थेकड़ी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, प्लीज़ चेकआउट दैट। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप ऐसी वीडियोस और देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद सम न्यू एक्सपीरियंसेस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।